तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ बच्चों के नाश्ते की तैयारी। आज भी वो स्कूल नहीं भेजे हैं मैंने। देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ घी में मखाने रोस्ट और दूध के साथ इन्हें दूंगी मखाने। बादाम मैंने दे दिए थे इन्हें पहले। तो गाइज ये दोनों कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर पढ़ाई, क्योंकि स्कूल नहीं गए तो अब लगे हुए अपनी पढ़ाई में। और देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें नाश्ते में दे दिया है ये भीगे हुए चने, दूध और मखाने। अब ये दोनों कर लेंगे नाश्ता, मैं भी कर लेती हूँ। मैंने भी अपने लिए ले लिए मखाने और दूध। चाय मैंने थोड़ी सी पी ली थी सुबह ही, और अब बस मैं मखाने और दूध ही लूँगी। आप भी आ जाइए और ले लीजिए। गाइस शाम का समय हो रहा है और देखिए दिखा देती हूँ, खाने पीने की तैयारी में लग गई हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो दिन में आ गई थी हमारे यहाँ पर बारिश, और जैसे ही ये कपड़े ऊपर फैले हुए थे मैं इतने गई इतने मतलब इनमें बूंदे लग गई थी, तो मैंने ये यहाँ पर फैला के फ़ैन ऑन कर दिया। देखिए आप देख सकते हो, जिससे कि मतलब वैसे तो ये सूखे हुए हैं, इनकी स्मेल सी निकल जाएगी इसलिए। और मैं दिखा देती हूँ, बच्चे जा रहे हैं खेलने के लिए। ये अब इसकी आइज में आराम है, ठीक है मतलब लगभग। तो और इधर मेरे हो रहे हैं आलू बॉईल, देखिए देख सकते हो। जब आलू बॉईल हो जाएंगे उसके बाद खाने पीने की तैयारी करेंगे। और मैं दिखा देती हूँ, आज बहुत ज़्यादा बारिश। और एक चीज़ दिखा देती हूँ, क्या बनाया बेटा आपने? देखिए मेरी बेटी ने क्या बनाया है, देखिए दिखा देती हूँ इधर आपको। देखो कितना सुंदर पर्स बनाया है इसने, मतलब जो वीडियो वगैरह होती है ना उसमें से देख के इसने खुद से ये पर्स बनाया है। देखिए खुलता भी है, ये खोल के दिखा देना। देखिए इस तरह से खुलता है और पॉकेट भी है इसमें, बिल्कुल जैसे बाजार से मिलते हैं ऐसा पर्स बना दिया इसने। और ये खेलने के लिए जा रहे हैं। और देखिए मौसम दिखा देती हूँ, देखिए मौसम ऐसा हो रखा है। और हमारी लवी यहाँ पर खड़ी हुई है, कोई भी निकलेगा तो ये ऐसे ही करती रहती है। देखिए आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा भी गीला, जैसे मैंने अभी यहाँ पर वाइपर मारा है पानी पानी हो गया था, तो अब बैठेगी नहीं बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा डरती है। बेटा भी चला गया है तो मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ, आलू बॉईल हो रहे हैं और मैं अपना ये बेड वाला काम निपटा लेती हूँ आज, क्योंकि बेड में कपड़े फैल हुए मैं घर से लेके आई थी वो ऐसे ही डाल दिए थे, तो ये सेट कर देती हूँ मैं फ़िलहाल, इस काम में लग जाती हूँ। तो मतलब शाम का काम भी हो जाएगा और मेरा ये भी सब सेट हो जाएगा, तो अब इसी में इसे कर लेते हैं फटाफट। तो जी आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आई थी अपने मायके से छुट्टियों में, और जो मैं अपने कपड़े वगैरह लेकर आई थी, फिर मैंने मतलब जो आस पड़ोस की दीदियाँ उन सभी ने देखे थे और फिर मैंने उन्हें बेड में डाल दिया था। और वैसे भी फिर पहले भी कपड़े मेरे फैले हुए थे, तो मैंने सोचा आज इन्हें अच्छे से सेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी खाना वगैरह भी बनाना था तो आलू मेरे बॉईल हो रहे थे तो इतने मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा इस वाले काम को फटाफट निपटा लेती हूँ। ज़्यादा नहीं है, बस इधर से दोनों तरफ से मुझे ये बेड लगाना था और ज़्यादा खास काम नहीं था। देखिए आप देख सकते हो, इस पोलोथीन में मेरी लेस और ऊन वगैरह रखी हुई थी, और इसमें मेरे डब्बा में मेरी सैंडल रखी हुई थी और जर्सी स्वेटर वगैरह एक दो ही थे, ज़्यादा नहीं थे, तो वो भी क्योंकि गर्म कपड़े दूसरी तरफ रखे हुए थे, तो एक जर्सी थी मम्मी की वो थी, और जो कपड़ा मतलब लग रहा था मुझे कि बिन पोलोथीन के रखा हुआ है वो। और मैं यहाँ पर इन सभी कपड़ों को सेट कर दूँगी, क्योंकि हम अपने कपड़े वगैरह या किसी को भी अच्छे से सेट करके रखते हैं तो ये अच्छा लगता है। इनको फिर हमें ढूंढने में निकालने में कोई आ जाए कपड़ा वगैरह देना, या हमें कहीं जाना है तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होती है, फटाफट हमारा काम हो जाता है। फटाफट लो और निकालो और पहन के चल दो। आप ये जो सभी मैं सूट लगा रही हूँ, ये मेरे वो कपड़े जिन्हें मैं अभी अपने मायके से लेके आई थी, सभी रेडीमेड थे, और यहाँ से भी निकाल लूँगी कुछ कपड़ों को और उन्हें सभी सेट कर दूँगी। आप देख सकते हो मैंने बेड में रख रखा है बहुत बड़ा कार्टून,
इसमें मैं अपने कपड़े अच्छे से सेट कर देती हूँ, इधर उधर ज़्यादा नहीं बिखरते हैं, सेट हो जाते हैं। तो आप भी इस तरह से अपने काम कर सकते हो, क्योंकि इस तरह से हम कोई भी काम करते तो अच्छा भी लगता है, और जैसे हम अपना बेड वगैरह खोलेंगे तो हमें कोई चीज़ ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब इतना स्पेस तो होता नहीं है कि हम सेफ वगैरह में अपने कपड़े लगाएं, नहीं, बेड में ही लगाने पड़ते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पहनने वाले भी और जो नए कपड़े बिन सिले होते हैं वो सभी बेड में ही लगे होते हैं। बच्चों के ज़्यादातर मैं डिब्बे में करके सेफ में रखती हूँ, और ये वाले हमारे ही हैं बिन सिले, और जो स्वेटर वगैरह ऐसे सभी मतलब इसमें ही रख देते हैं। दो बेड हैं, आप मतलब दोनों बेड इस तरह से भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से ही हो जाता है। इस तरह से हम अपने काम में मतलब जब भी लगता है कि हाँ हमारे पास टाइम है कुछ थोड़ा सा, तो हम उस टाइम को यूज कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अब मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि इस काम को फटाफट निपटा देती हूँ, क्योंकि ये काम भी करना ही होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लग गई थी इन कपड़ों को लगाने। तो देखिए ये थोड़ा इधर की तरफ हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया डब्बा, और ये सभी सूट कर दिए यहाँ पर सेट। और फिर साथ के साथ मैं दूसरी तरफ से भी निकाल के सभी कपड़े, ड्रेस, साड़ी वगैरह मेरी रखी हुई है, वो भी मैं साथ के साथ सेट कर दूंगी। तो आप देख सकते हो, जब हम कोई भी काम करते हैं और अच्छी तरीका से कर देते हैं और सेट हो जाता है, तो मतलब एक अलग ही लुक आ जाता है। तो आप देख सकते हो, पहले थोड़े कपड़े फैले हुए थे और अब मैंने अच्छे से सेट करके लगा दिए, तो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पोलोथीन से जिनमें मैं अपने सूट वगैरह रख लेती हूँ, तो इधर से तो हो गया है मेरा बेड सेट। और अब करेंगे दूसरी तरफ से, उधर ज़्यादा नहीं है, सभी सूट, साड़ी, ड्रेस वगैरह मेरी सभी पोलोथीन्स में रखी हुई हैं, और ये रखा हुआ है पर्स, तो सभी रखी हुई हैं, बस उन्हें थोड़ा ढंग से लगाना है, क्योंकि मैंने एक दो अपने सूट सिले थे वो निकाले थे, तो इसलिए थोड़े इस तरह से हो गए। और फिर कभी कुछ ढूंढना करना हो जाता है तो थोड़ा बिखर ही जाता है, तो इसलिए अब देखिए आप देख सकते हो मैं फटाफट अपने सभी कपड़े लगा दूंगी, अच्छे से सेट कर दूंगी। और मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें दिन में टाइम निकालना है, जब भी हमारे पास टाइम हो अपना हम अपने सभी काम किसी भी टाइम कर सकते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि नहीं तभी करना, इस टाइम नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जब टाइम मिलता है मैं अपने काम तभी सभी निपटा लेती हूँ एक एक करके। तो देखिए ये वाले सूट्स मैंने लगा दिए, इस वाली इसमें अटैची रखी हुई है इसमें, और ये जो ड्रेस, जर्सी, हाफ ड्रेस, साड़ी वगैरह देख रहे हो, इन सभी को भी लगा दूंगी। हाँ, मैं साड़ी वगैरह रखी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत कम साड़ियाँ पहनते हैं, और तो ये रखी हुई है सभी। तो ये अब ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ों को फेंक दे, रखनी तो पड़ती हैं। तो जी आप देख सकते हो मेरा दोनों तरफ से बेड हो गया है बिल्कुल सेट, और ये मेरी स्कर्ट रखी हुई थी सेफ में, इसके साथ के सूट के साथ ही मैं इसको इसमें रख दूंगी, क्योंकि अलग अलग चीज़ें होती हैं तो फिर ऐसा हो जाता है कि पता नहीं चलता कहाँ रखे। तो मैं सभी चीज़ें एक एक करके पोलोथीन में और अच्छे से सेट करके रख दूंगी। और ये वाला पर्स मैं लेके गई थी अपने गाँव जब गई थी, तो ये वाला भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी। और देखिए हो गया है मेरा बेड बिल्कुल सेट, अभी से फटाफट कर देंगे, और फिर ये वाला काम भी हो गया है फिनिश, और उसके बाद चल देंगे किचन में, क्योंकि अभी शाम का टाइम है तो हमें खाना वगैरह भी बनाना है। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, मेरे आलू जो थे वो अच्छे से बॉईल हो गए थे, मैं बेड को साफ़ करने में लगी थी और मैंने ध्यान नहीं करा, तो मतलब आलूओं का पूरा पानी सोख लिया था उन्होंने, मतलब फूक गया था, लेकिन बच गए, आलू जले नहीं। अब मैं आलू छीलूंगी और उसके बाद मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी आलू के पराठे, और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू वाली चटनी जो फ्राई करके बनती है, बहुत टेस्टी लगती है, वो ही बनाऊंगी। और बच्चे भी आ जाएंगे उनके, मतलब इस टाइम का मेरा रूटीन होता है कि बच्चे जाते हैं 8 बजे ट्यूशन, तो उससे पहले मुझे अपने सभी काम करने होते हैं खाना वगैरह का, क्योंकि मैं बच्चों को खाना खिलाकर भेजती हूँ, और फिर वो आकर मतलब दूध वगैरह लेते हैं और फिर लेट जाते हैं। इससे ये होता है कि बच्चे टाइम से लेट भी जाते हैं और खाने पीने मतलब खाना भी टाइम से खा लेते हैं, ये नहीं होता है कि नहीं लेट सेट खाना, एक टाइम सा हो जाता है, तो बच्चे टाइम से ही खा लेते हैं बिल्कुल।
टाइम से मतलब रोज़ 7:30-8 बजे बच्चे खाना खा लेते हैं, उस टाइम तक मैं अपना खाना वगैरह सभी मतलब कंप्लीट कर लेती हूँ अच्छे से। ये नहीं होता है कि नहीं बनाए, अगर किसी दिन बच्चों की छुट्टी है तो हो भी जाता है। तो साथ देखिए मैंने आलू छिले ज़्यादा बॉईल नहीं किए हैं, थोड़े से ही बॉईल किए हैं, और साथ के साथ कढ़ाई भी साफ़ कर दी है मैंने। और फिर कूड़े की पोलोथीन लेकर उसमें रख दूँगी, बाहर कूड़े वाली बाल्टी रख रखी है और यहाँ पर पोलोथीन में ही डाल लेते हैं। और अब चलते हैं, चटनी बनाऊँगी मैं। आप मैंने सुबह दूध पूरा नहीं आया था, इस टाइम भी थोड़ा आया था तो दूध निकल गया था, तो उसे साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं निकला था, थोड़ा सा ही निकला था, तो साथ के साथ वो भी साफ़ कर लिया है। और अब बना के लाऊँगी मैं चटनी, और उसके बाद बनाऊँगी बच्चों के लिए पराठे। तो फटाफट कर लेते हैं अपना काम और उसके बाद देखते हैं क्या काम करना है हमको। तो गाइस बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, खाना पीना हो गया है और दोनों भाई बहन ट्यूशन भी चले गए हैं, और मेरा सभी काम हो गया है। ये वाले कपड़े रखने हैं जो मैं रख दूँगी, और फिलहाल मैं इस ब्लॉग का करूँगी एंड। तुम्हें मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय।